सो वेलकम टू इस टेक्निकल। मेरा नाम है सुमित। मैं आज इस वीडियो में आपके लिए कुछ कहूंगा वीडियो एडिटिंग के बारे में। सही रहेगा आप अगर यूट्यूबर हो या फिर कोई प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग का काम कर लेते हो। तो यहाँ पर चल के मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस करने को मिला, जैसे कि फिल्मोरा, मोवावी और साइबरलिंक पावर डायरेक्टर एंड एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब सोनी वेगास प्रो 14। तो इसी सब एप्लीकेशन के ऊपर मैंने बहुत सारा काम किया है। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, पर मैं एक यूट्यूबर या फिर जो प्रोफेशनली नहीं अपने YouTube चैनल के लिए या फिर थोड़ा बहुत वीडियो बना लेते हैं, वो क्रिएटिव वीडियोस देखने के लिए बहुत सारे व्यूअर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर चल के मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है, फास्ट अगर कोई वीडियो एडिट करना चाहता है, बहुत ही जल्द से जल्द उसका आउटपुट निकलना चाहता है, जैसे कि करीब 20 मिनट का वीडियो अगर निकलना चाहता है 10 मिनट पे, तो उसे ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा मोवावी। यही फास्टेस्ट ऑप्शन मैंने देखा कि मैं हमारे जो कंप्यूटर है जो i5 प्रोसेसर के साथ आता है, मेरा जो कंप्यूटर है, जैसे कि मेरा कंप्यूटर के ऊपर ही बताऊंगा आप लोगों को, जैसे कि आप भी आपके कंप्यूटर को अपडेट कर पाए और समझ सके कि कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा स्पीड में या फिर कौन सा प्रोसेसर में कितना स्पीड दे सकता है आपको आउटपुट निकालने में या फिर आपके काम को ईजी करने में। तो यही होता है सॉफ्टवेयर का काम, बहुत सारा काम का जो वर्क प्रोसेस है उसको थोड़े बहुत फास्ट कर लेता है या फिर थोड़ा कम स्पेस में वो कॉम्प्रेस करके आपको दे देता है। तो मैंने मोवावी की बात करूँगा। मोवावी मैंने बहुत साल से यूज़ किया है। मोवावी का जो मेरा वेबसाइट है वहाँ पर भी मैंने डिटेल्स लिखा है। तो यहाँ मोवावी कैसे यूज़ करता है कि नहीं, वहाँ पर भी मैंने देखा तो यूज़ करना शुरू किया तो मुझे बहुत फास्ट रिजल्ट मिला, पर कुछ खामियां भी है इसे। जो मेन है वो आपको एक टाइम में तो नहीं मिलेगा, जैसे कि ऑडियो का जो नॉइज़ होता है, जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइज़ चल रहा है, कोई हॉर्न, कोई ट्रेन का आवाज़, यहाँ पर हमेशा ही नॉइज़ चलता रहता है हमारे घर के पीछे, जैसे कि बाइक का साउंड हो रहा है पीछे, तो ऐसे ही मैं सुन पा रहा हूँ, शायद आपको नहीं। तो कितना नॉइज़ कैंसिल करूँ भाई, बोया का माइक है, यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन जो स्टेबिलाइजेशन सिस्टम दिया गया है उससे मैं काफ़ी हद से नॉइज़ तो कैंसिल कर लेता हूँ, उसके बाद भी बहुत सारा नॉइज़ पैदा होता है आसपास के सिचुएशन जो है यहाँ का बहुत ही नॉइजी तो मैं कहूँगा। और जब रात को मैं शूट करना चाहूँ तो मेरा एनर्जी ख़त्म होता है और मुझे सोना पड़ता है। यही कभी कभी मैंने शूट किया था पर बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिला नेक्स्ट सुबह को, जबकि मुझे काम भी करना है और नींद भी आ रहा है ऐसे। तो छोड़ी वो बात, तो मैंने मोबाइल पर यही देखा जो नॉइज़ कैंसिलेशन के ऑप्शन से वो नहीं मिलता। अगर आप एक नॉइज़ प्रूफ हॉल में या रूम में शूट नहीं कर रहे हो तो मोबाइल को यूज़ करना बेकार है, क्योंकि आपको दोनों सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर काम करना पड़े तो क्या फ़ायदा, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप अगर कोई काम करता है अलग से ऑडियो को रिकॉर्ड करके, वो भी एक टाइम वेस्टिंग वाला काम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करो कि रिकॉर्ड होने के बाद जो नॉइज़ कैंसिलेशन है थोड़ा बहुत तो चल जाता है माइक से, उसके बाद जो मेन नॉइज़ कैंसिल करना पड़ता है जैसे कि सॉफ्टवेयर से, तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से फिल्मोरा मुझे बहुत अच्छा लगा। फिल्मोरा में मैंने देखा कि नॉइज़ जो है बहुत ही अच्छे से वो क्लियरली डिफाइन करता है कि मेन नॉइज़ कौन सा है, मेन साउंड कौन सा है, और उसे उसके आसपास का नॉइज़ पूरी तरह से मिटा देता है पूरी तरह से। तो जोर से भी आवाज़ आए ना, वो थोड़ा बहुत ही नॉइजी होता है पर आपका काम बन जाता है। जैसे कि मैं यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो डाला, करीब 102 या 3 वीडियो होगा, पर वहाँ पर सारे जगह पर नॉइज़ है, इसके लिए मेरा व्यूज ठीक ठाक तरीके से नहीं आता है। और मैं
मुझे भी कंसंट्रेट करने का मौका नहीं मिलता है, मुझे पता है कि ये नॉइज आपको डिस्टर्ब करेगा, तो मैं भी थोड़ा ऑब्जेक्ट के ऊपर से हट जाता हूँ और कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो इसके कारण ही कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो जैसे कि मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फिल्मोरा यूज़ कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप अगर एक यूट्यूबर हो तो। तो अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है अलग से तो आप इजीली कर सकते हो, पर वहाँ पर भी शायद नॉइस आएगा, क्योंकि जो भी माइक है वो अच्छे से तो कैप्चर कर लेता है, मेरा बोया का माइक है और जहाँ कहीं भी समझो तो यहाँ पर जाके मिलता है रोड का माइक मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि मेरा जो किट लेंस है उसके साथ ये रिकॉर्ड करने में बहुत ही आसानी होता है, क्योंकि जो रोप है ये बोया का माइक का रूप है करीब 2.5 मीटर का, और मेरा कैमरा मुझसे दूर है क्योंकि मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ मेरा प्राइम लेंस है जो कि 1.8 एपर्चर वाला है, तो यहाँ पर चल के मुझे बहुत सारा डिस्टेंस रखना पड़ा है और मेरा रूम पे ही हो रहा है। मेरा पीछे जो ग्रीन स्क्रीन देख रहा हो आपको दिखा दे रहा हूँ, यही सारा ग्रीन स्क्रीन है और हमेशा ही इस तरह से ही शूट करूँगा, और शायद गर्मी में ना मिले इस ग्रीन स्क्रीन को क्योंकि ये हिलेगा हवा चलते ही पंखा चलते ही, तो इसके लिए मैं नहीं शूट करूँगा, पर इसका जो पंखे का नॉइज़ है आसपास का नॉइज़ है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा जितना हो सके इस माइक पे या फिर रोड का माइक में। तो क्या होता है कि आप अगर नॉइज़ को कैंसिल नहीं कर पाओगे तो आपको नॉइस प्रूफ रूम बनाना पड़ेगा, या फिर रूम जैसा कोई ऑफिस जहाँ पर आप इजीली कैंसिल कर सको कोई भी नॉइस के आपके माइक तक ना पहुँचे आपके अपने वॉइस के बिना। तो यही है मेन चीज़ मैं कहूँगा, बहुत सारे लोग जो यूट्यूबर्स है मैंने देखा कि वो लोग जो फिल्मोरा का स्टाइल वगैरह यूज़ करते हैं वहीं से पता चल जाता कि ये फिल्मोरा ही यूज़ करता है, तो कह देते हैं उनका भी टिप्स रहता है कि फिल्मोरा यूज़ करो, फिल्मोरा इस तरह से यूज़ होता है, बहुत सारे ट्यूटोरियल भी छोड़ते हैं इंटरनेट पर यानी यूट्यूब पर और हमें पता चलता है वहीं से। तो मैंने सोचा कि क्यों ये लोग फिल्मोरा यूज़ करते हैं जबकि ये बहुत ही स्लो है। तो जैसे कि आप रिजल्ट देख रहे हो यहाँ पर, मैं इस वीडियो को फिल्मोरा से ही एडिट करूँगा और आपके लिए ले आऊँगा, और इस वीडियो के बाद जो वीडियो होगा वो मैं फिर से किट लेंस यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि वो किट लेंस से ही ज़्यादातर अच्छे बन पाता है, क्योंकि मेरा जो कैमरे से डिस्टेंस है वो दूर पे जाके ऑन करना होता है फिर से पीछे आके ऑफ करना होता है। हाँ, वाईफाई इनबिल्ट है, वाईफाई कनेक्टिविटी या फिर NFC से मैं इजिली कंट्रोल कर पाता हूँ, पर ये नॉइस का फंडा रह जाएगा हमेशा। तो इसके लिए मैं अगर ग्रीन स्क्रीन में या फिर कोई और जगह पर यूज़ करता हूँ इस वीडियो रिकॉर्डिंग को, यानी ऑडियो एक साथ रिकॉर्ड हो रहा है या फिर दूसरे जगह पर रिकॉर्ड करूँ ऑडियो को, तो कहीं ना कहीं नॉइस तो छुपा बैठा है, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा। फिल्मोरा ईजिली यूज़ कर सकता हूँ, मैं रेफर करूँगा कि यूट्यूबर हो तो फिल्मोरा ही यूज़ करो, तो आपका नॉइस शायद कैंसिल हो पाए और अच्छे से वीडियो प्रोडक्शन भी हो पाए, और वीडियो के साथ नॉइस अगर आ जाता है तो बहुत ही बुरा रहता है क्योंकि मेन साउंड को वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता व्यूअर्स, और ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाता व्यूअर्स के तरफ से, तो व्यूअर्स अगर देखता है कि आपके वीडियो हमेशा नॉइजी है या फिर पीछे से मोटरसाइकिल की आवाज़, हॉर्न की आवाज़, नए नए लोगों का नए नए बातचीत का आवाज़ ऐसे आ रहा है, तो वो कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगा आपके वीडियो के ऊपर और कैसे व्यूज़ बढ़ेगा और कैसे पॉपुलरिटी बढ़ेगा और सब्सक्राइबर, तो दूर की बात है, और जो 1000 आवर्स की बात है उसको तो छोड़ ही दो। तो यही हो रहा है मेरे चैनल पे, तो मैं सोचा कि शिफ्ट कर जाऊँ मोबावी से फिल्मोरा पर, मेरा टाइम भी लगे और थोड़ा कम हो, 3 के जगह 2, 2 के जगह 1, मिनिमम 1 तो वीडियो सही से बन पाएगा, यही मेरा टारगेट है। आज के लिए इतना ही, तो आपको अगर इस वीडियो को अच्छा लगे या फिर कोई ढेर सारा सुझाव देना चाहते हो तो दीजिए, और मैं कोशिश करूँगा आपके बातों को रखने के लिए और आपके रिप्लाई भी देने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।